ब्रिजमोहन योग चैनल में आप सबका एक बार स्वागत है। और योग के द्वारा कैसे हम थोड़ा सा इसको टी शर्ट को हल्का ऊपर उठा देंगे, मैं आज आपको मधुमेह को कैसे ठीक किया जाता है केवल योग के द्वारा और संकल्पों के द्वारा, वो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। एकदम छोटी सी बात है, सीधी सी बात है कि पैंक्रियाज में इंसुलिन बनता है और पैंक्रियाज आपका एक्टिव हो जाएगा तो इंसुलिन बनना ठीक हो जाएगा, बैलेंस में आ जाएगा तो शुगर की बीमारी ठीक हो गई, एकदम आसान बात है। तो आइए मैं मंडूकासन के 3 स्टेप दिखाऊंगा। और यही एक जो मंडूकासन है इसको यदि आपने 30 राउंड कर दिया तो मधुमेह तो 1 महीना में बैलेंस हो जाए, बराबर में आ जाए। तो आइए आप दोनों हाथों को आगे कर लीजिए, सामने करिए और मैं दिखा रहा हूँ कि मंडूकासन कैसे किया जाता है। अंगूठा को अंदर करिए, दोनों का मुट्ठी बांधिए, दोनों को सटा लीजिए वहीं पर, ठीक। और नाभि के पास ऐसे उलट करके ये वाला, हाँ देखिए बहुत सुंदर, नाभि के ठीक ऊपर रख करके सांस को भरिए, सांस को छोड़ दीजिए और आगे की ओर झुक जाइए। अब इसका देखिए, पहले हम लोग केवल मंडूकासन प्लेन करते थे लेकिन अब इसका एडवांस आ गया है, क्योंकि दवाई में भी आजकल एडवांस आ रहा है तो हम लोग योग में भी इसको रिसर्च करते करते इसमें एडवांस कर दिए। कपाल भाती इसमें लगाना है आपको, यदि नए अभ्यासी हैं तो 5 बार कपाल भाती लगाएंगे और यदि अभ्यास पुराना हो गया है तो इसमें 20 बार कपाल भाती कम से कम करना है। तो यह एक स्टेप माना जाएगा आपका, और इसको 30 बार करना है। 20 बार गिन के देखिए कपाल भाती हो रहा है, फिर सीधे हो जाएंगे। अब 30 बार इसको करना है। अब दूसरा स्टेप दिखा दीजिए, अभी बाएं हथेली को नाभि पर रखिए और दाहिना उसके ऊपर रख दीजिए, बहुत सुंदर। दोनों अंगूठा को थोड़ा नीचे कर लीजिए, हाँ, और सांस को भरिए, सांस को छोड़ते हुए आगे को झुक जाइए, केहुनी को भी नीचे जमीन की तरफ और माथा जितना हो सके ऊपर उठाइए और कपाल भाती 20 बार लगाइए। ये मंडूकासन का दूसरा स्टेप है। एक हथेली को नीचे रखना यानी बायों को रखा, दायां ऊपर, 30 बार या 20 बार कपाल भाती लगाएंगे। मधुमेह के रोगियों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं लंबे समय से मैं खुद देख रहा हूँ और लोगों को अभ्यास करा रहा हूँ, इसीलिए मैं इतना खुश रहता हूँ कि आपको घबराने की जरूरत है नहीं। बस आप कपाल भाती थोड़ा करिए, अब तो मंडूकासने में कपाल भाती दोनों लग जाएगा। अब इसका दूसरा स्टेप है कि जो हथेली नीचे था उसको ऊपर कर देंगे, ऊपर वाले को नीचे कर देंगे। अब सांस को भरेंगे, छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाएंगे, पूरा शरीर का भार छोड़ दीजिए अपने हथेली पर और कपाल भाती लगाइए मस्ती के साथ जोर जोर से। और एक बात मूल चीज़ याद रखिएगा आप लोग कि जब जब कपाल भाती लग रहा है तब तब मन में सोचिए कि हे प्रभु, हमारा पैंक्रियाज एक्टिव हो रहा है, ठीक हो रहा है, हमारे अंदर इंसुलिन बढ़िया से बनना शुरू हो रहा है, हमारे अंदर जो मधुमेह की जो समस्या आ गई है वो सब धीरे धीरे कम हो रहा है, कम होना शुरू हो गया है, ऐसा मन में सोच लीजिए। बस सोचने से 99% तो सोचने से ठीक हो जाएगा, क्योंकि सोचते हैं तभी जब ईश्वर की कृपा होती है, नहीं तो लोग मंदिर में भी जाकर के नहीं बदल पाते हैं, अगरबत्ती हिलाते रहते हैं, ध्यान कहीं और रहता है। मात्र यही 3 स्टेप आपको, अभी तो 1-1 राउंड मैंने कराया है, इसको 30 राउंड करना है तब जाकर के मधुमेह की बीमारी, यानी जब आपको मधुमेह से परेशानी है तो 1 घंटा मधुमेह वाला स्टेप में लगाएंगे, तब जाकर के बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। तो आपको मैंने मधुमेह के लिए आश्वस्त कर दिया, आप लग जाइए और अपने मधुमेह की समस्या से मुक्ति पाइए। धन्यवाद।